गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज पी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट। इन द प्रीवियस लेसन यू हैव टू लर्न अबाउट मेन बेसिक टैग्स इन HTML एंड इट्स एट्रीब्यूट। इन दिस ट्यूटोरियल यू हैव टू लर्न पी टैग इन इट्स एट्रीब्यूट। पी टैग स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग और इट इज यूज to define the paragraph in your HTML document. p tag का use आप paragraph tag को बनाने के लिए करते हैं। paragraph जैसे हम लोग लिखते हैं उस हिसाब से अगर किसी तरह का paragraph आपको अपने HTML पेज में बनाना हो तो basically आप जिस tag का use करेंगे वो है p tag। तो p tag कैसे यूज़ होगा, इसका पैराग्राफ कैसे सेट होगा, इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, तो ये बातें भी आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है कि पी टैग तो वैसे जैसे नेम इसका सजेस्टेड है पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है और इसका जो एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट सेंटर एंड राइट होता है। आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल में कि जो P टैग का एक का अलाइनमेंट क्या सेट किया गया है लेफ्ट, दूसरे P का अलाइनमेंट सेंटर सेट किया गया है और तीसरे P का अलाइनमेंट राइट सेट किया गया है। इसका मतलब P टैग तो पैराग्राफ टैग है और P टैग में जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे उसका अलाइनमेंट कहाँ होगा, लेफ्ट। P अलाइन लेफ्ट यानी कि वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, P अलाइन सेंटर यानी वो सेंटर में रहेगा और P अलाइन राइट इसका मतलब वो राइट साइड में रहेगा। तो अगर इसको आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो ये हमारा कोडिंग है गया। अब इस कोडिंग को मैंने यहाँ पे, ये प्रीवियस का कोडिंग था, लिख दिया और लिखने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसको ओपन विथ गूगल क्रोम कर लें तो देखिए अलाइनमेंट जो है एक का लेफ्ट हो गया, दूसरे का सेंटर और तीसरा पैराग्राफ जो हो गया वो राइट साइड हो गया। ये आउटपुट आपका शो कर रहा है। इसका मतलब पी टैग एक पैराग्राफ टैग जो था वो लेफ्ट साइड के लिए था, एक राइट साइड के लिए था और एक सेंटर के लिए था। तो ये रहा पी टैग और उसका यूज और उसके एंट्री। HTML में एक सेंटर टैग अलग से आता है। जो भी आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो उसको सेंटर में ले आने के लिए हमको क्या करना होगा, एक सेंटर टैग आता है जिसमें सेंटर हम लिख देते हैं। सेंटर लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा HTML कोड और फिर यहाँ पे मैं सेंटर टैग को क्या कर देता हूँ, बंद, और इसको आप सेव कर लीजिए। तो ये HTML कोड बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही जाएगा। जैसे यहाँ रिफ्रेश किया मैंने इसको तो देखिए HTML कोड बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया। ये सेंटर टैग का इस्तेमाल है। अब इसको और अच्छा थोड़ा सा बनाना है तो आप H1 लगा दीजिए ना, हेडिंग टैग जो प्रीवियस वीडियो में बनाया था मैंने, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। फिर यहाँ पर H1 को क्या करना है, बंद कर देना। ये थोड़ा सा हेडिंग स्टाइल 1 हो जाएगा तो हेडिंग स्टाइल 1 रिफ्रेश करके देख लीजिए, हेडिंग स्टाइल 1 हो गया। यहाँ पे HTML कोड थोड़ा बड़ा सा बड़ा साइज में दिखाई दे रहा है, बोल्ड में दिखाई दे रहा है। तो ये आपका आउटपुट रहा। ये सेंटर टैग का इस्तेमाल आप समझ गए क्या करते हैं, पी टैग का इस्तेमाल क्या होता है, ये भी आपने जानकारी ले ली। अब एक फॉन्ट टैग आता है। फॉन्ट टैग का मतलब होता है कि आप फॉन्ट को कैसे, अपने फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कैसे बनाएंगे, ये फॉन्ट टैग के लिए होता है। तो फॉन्ट हम लिखेंगे और उसका साइज फिर क्या कर देते हैं, डिफाइंड कर देते हैं और फॉन्ट टैग को बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हमारा वो फॉन्ट उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू जो हमने लिखा है उसी हिसाब से वो दिखता है। तो मान लीजिए
कि यहाँ पे हम ये पैराग्राफ मैंने हटाया, पी टैग को मैं हटा देता हूँ। प्रैक्टिकली आप देखेंगे पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पी टैग को हटा दिया और इस जगह पे आप लिखेंगे फॉन्ट। अब इसका साइज कुछ होगा, तो मैंने फॉन्ट का जो साइज था ये मैंने 8 कर दिया, ठीक है। अब ये किस कलर में लिखेगा इसको, तो आप इसको कलर इज इक्वल टू हमने लिख दिया कि ये भाई रेड में लिखेगा, रेड में लिखेगा। यहाँ ये फॉन्ट और फॉन्ट का यहाँ पे क्या कर देंगे आप, फॉन्ट को बंद कर देंगे, ये फॉन्ट को बंद कर दिया। फॉन्ट को जब मैंने बंद कर दिया तो अब इसको रन कराने के लिए रन करा के देखते हैं कि हमारा ये फॉन्ट साइज 8 कलर रेड दिस इज लेफ्ट अलाइन जो लिखा हुआ है ये वाला, ये कैसा दिखता है, क्या उसका साइज 8 दिख रहा है, कलर रेड दिख रहा है। तो आप यहाँ पे बस रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आ गया दिस इज लेफ्ट अलाइंस्ड, वही वाला फॉन्ट का साइज 8 हो गया और फॉन्ट हमारा क्या हो गया, रेड कलर में हो गया। तो साइज घटा बढ़ा सकते हैं आप, अगर यहाँ हम साइज 80 कर दें और सेव कर दें, 80 करके और सेव कर दिया, तो देखिए फॉन्ट का साइज फिर उतना बड़ा दिखेगा जहाँ तक आपका उसका मैक्सिमम अलाइनमेंट होगा। एक मिनट, प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्वेल्व, सेव हो गया, ये सेव कर लिया। कुछ इशू आ रहा है, इस इशू को मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाईलाइट की हुई बातें हैं कि मैक्सिमम आप कहाँ तक, यानी कि 1200 px, px का मतलब पिक्सल वैल्यू से होता है, यहाँ तक मैक्सिमम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कराया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 3% व्यू पॉइंट विड्थ से आप मैक्सिमम साइज को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बात ये होती है कि कौन सा ब्राउज़र वो सपोर्ट करेगा, कौन सा ब्राउज़र वो सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जैसे क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये डिपेंड्स करता है उस सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी पे कि वो क्या सपोर्ट करता है और क्या सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके सपोर्टिंग के अकॉर्डिंग हमें वेब पेज की डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, और डिज़ाइनिंग करने के बाद टेस्टिंग होता है कि हाँ वो लुक आपका क्रोम पे कैसा दिख रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कैसा दिख। कभी कभी होता है कि क्रोम पे बहुत अच्छा लुक देखा तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वो एकदम बेकार सा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट नहीं कर रहा है और गूगल क्रोम को सपोर्ट कर रहा है, तो कभी फायरफॉक्स को सपोर्ट कर रहा है तो ओपेरा को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये बातें होती हैं। ये आउटपुट देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ का फॉन्ट साइज कुछ अलग है और यहाँ से यहाँ का फॉन्ट साइज कुछ अलग है। तो इसे क्लियरली है कि एक का फॉन्ट साइज जो है वो 10 है और दूसरे का फॉन्ट साइज क्या है, 2 है, इस वजह से ये वाला बड़ा दिख रहा है और ये वाला छोटा दिख रहा है। तो ये तो हो गया फॉन्ट की बात कि फॉन्ट साइज वगैरह आप कैसे इंक्रीज करेंगे। एक और एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट फेस की बात आती है। देखिए फॉन्ट फेस का मतलब राइटिंग स्टाइल से होता है, इसको क्लियरलीफाई आप कैसे समझ पाएंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोग्राम हम खोल लेते हैं, जैसे मैं वर्ड खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे वर्ड कहाँ दिख रहा है मुझे, वर्ड यहाँ है तो मैंने वर्ड खोल लिया।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब खोल लिया तो ये आपका देख रहा है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू 8 पर रहता है, ये हो गया फॉन्ट साइज, और मिनिमम मतलब मिनिमम 8 और मैक्सिमम 22। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉन्ट ये तो साइज हो गया, लेकिन फेस क्या है, ये फेस है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ क्या है, फॉन्ट फेस यानी राइटिंग स्टाइल, किस तरीके से हमारा वो लिखेगा, ये हमारा राइटिंग स्टाइल को ही हम लोग कहते हैं फॉन्ट फेस, किस में, HTML में। तो वो भी हमारा एक फॉन्ट का एट्रीब्यूट हो जाता है कि इस तरीके से राइटिंग स्टाइल में हमारा लिखा जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज़ यहाँ पर आप लिखिएगा और इस हिसाब से इसको सेट करिएगा तो उसका राइटिंग स्टाइल आपके फेस के हिसाब से ही समझ में उसमें लिखाएगा। तो ये चीज़ आपका होता है फॉन्ट फेस। तो इसको इम्प्लीमेंट करके भी एक बार हम लोग सोच रहे हैं कि इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लिया जाए। चलिए तो देखते हैं कि इसका तो फॉन्ट साइज 10 है, कलर इसको कलर रेड ही रहने देते हैं, रेड हो गया। और इसका फेस यहाँ पे लिखेंगे, फॉन्ट का जो फेस होगा वो क्या होना चाहिए। तो फॉन्ट का फेस अगर जो भी यहाँ पे वर्ड में अगर आप देख रहे हैं, वर्ड में अगर आप देख रहे हैं, कोई भी फेस उठाता है यहाँ से, सॉरी अल्जीरियन फेस उठाया मैंने, तो ये अल्जीरियन फेस को हम अपने अल्जीरियन फेस को यहाँ पे सॉरी ये कुछ कंप्यूटर ऑटोमेटिक कुछ कर रहा है, ये अल्जीरियन फेस मैंने यहाँ पे डाला, सेव कर दिया। तो ये अल्जीरियन फेस किस पे है, दिस इज लेफ्ट अलाइंज पे है। तो आप देखिए कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं, देखिए अल्जीरियन फेस हो गया, इसका फेस इसका कुछ चेंज हो गया, दिस इज लेफ्ट अलाइंज, पहले कुछ और था और अभी इसका फेस अल्जीरियन स्टाइल में हो गया। तो आप फेस को उसी हिसाब से चेंज करते हो, फॉन्ट का साइज भी आपको पता चल गया, उसका एट्रीब्यूट, उसके बाद कलर भी आपको पता चल गया, और फिर आप उसका फेस क्या होता है ये भी आपने जानकारी ले लिया। देखिए बात ये है कि HTML सीखने में थ्योरी का उतना ज़्यादा काम नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिकली HTML के सारे टैग को एक एक बार यूज़ करके देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि थ्योरी की कोई ज़रूरत है। आप डायरेक्टली देखिए कि हाँ TR टैग क्या कर रहा है, तो HTML का फॉन्ट टैग क्या कर रहा है, तो फॉन्ट फेस टैग क्या कर रहा है, तो फॉन्ट साइज क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे उसको एग्जीक्यूट कराया जा रहा है, तो आपको समझ में आ जा रहा है कि हाँ भाई फेस का मतलब हो क्या है कि राइटिंग स्टाइल को चेंज करना, फॉन्ट साइज का मतलब हो गया कि लिखे गए साइज को चेंज करना। तो ये डायरेक्टली आपके दिमाग में बैठ जा रहा है। तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि HTML को हम सीखें लेकिन प्रैक्टिकली सीखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे के कुछ टैग्स के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स के बारे में। बाकी आप अपना बुक पढ़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप तक पहुँचा दूँ। तब तक के लिए थैंक यू।